हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग यूज़र को लॉगिन कराएं और कैसे यूज़र को लॉग आउट कराएं। ये मैकेनिज़्म पूरा हम पीएचपी में डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये पूरा मैकेनिज़्म काम करता है। एक लॉगिन और लॉग आउट सिस्टम को बनाने के लिए हम लोगों को दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सेशन का कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट है क्वेरी स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो सीख लीजिए, और इनका ट्यूटोरियल मैं अपने पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा यूज़र को कैसे हम लॉगिन कराएं और कैसे हम उसको लॉग आउट कराएं सेशन का यूज़ करके। सबसे पहले हम एक लॉगिन फॉर्म बना लेंगे। ये पूरी कोडिंग हम HTML में करेंगे और एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे जो यूज़र से उसका नाम और पासवर्ड लेगा। पासवर्ड हम अभी कुछ भी अपनी सुविधा अनुसार रख लेते हैं। हम अपना डेटा यहीं भेजेंगे login.php में, तो सेम पेज नेम और मेथड, हम मेथड पोस्ट यूज करेंगे। अब हमें एक फील्ड बनानी है जो यूजर से उसका नाम ले, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, हम इसको टेक्स्ट रखेंगे और इसका नेम हम रख देंगे नेम। अब हमको चाहिए एक फील्ड जो यूजर से उसका पासवर्ड ले, इसका हम इनपुट टाइप पासवर्ड रखेंगे, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड एंड नेम इज इक्वल टू PSS पास। अब हमको एक सबमिट बटन बनानी है जिस पे क्लिक करने के बाद यूजर अगले पेज में पहुंच जाए, अगर उसकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है तो। उसके लिए फिर हम एक सबमिट बटन बनाते हैं, हमें टाइप उसका सबमिट बटन देना पड़ेगा और इसका नेम हम रख देते हैं सबमिट लॉगिन रख देते हैं लॉगिन, और वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन, इसको हम सेव करते हैं। एक हम यहाँ पे फोल्डर बना लेंगे अलग से, यूजर लॉगिन लॉगआउट। यहाँ पर हम एक फाइल बना देते हैं login.php। अब हम इसका आउटपुट ब्राउजर पर देखेंगे। सबसे पहले हम अपना अपाची सर्वर चेक करेंगे कि रन कर रहा है कि नहीं। हम रन कराएंगे और हम ब्राउजर पर चेक करेंगे, तो ये मेरा फॉर्म बन चुका है। अब हमें यूजर से उसकी वैल्यूज एक्सेप्ट करा के लॉगिन कराना है। एक लॉगिन पेज भी हमें बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ बना देते हैं इसको सेम home.php। यहाँ पर हम हल्की सी PHP की स्क्रिप्ट लिखेंगे। उससे पहले हम login.php में यूजर से उसकी वैल्यूज ले लेते हैं PHP। हम चेक करेंगे अगर यूजर ने सबमिट बटन पे क्लिक किया है कि नहीं। उसके लिए हम सेट का फंक्शन यूज करेंगे, इफ सेट $_post ब्रैकेट में लॉगिन बटन का नाम। अगर यूजर ने किया है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें सबसे पहला काम करना है कि हमें उसका नाम स्टोर कराना है, तो हम उसका नाम स्टोर कराते हैं। हमने पोस्ट मेथड यूज किया है इसलिए मैं यहाँ पे पोस्ट यूज कर रहा हूँ, और $_pass इज इक्वल टू $_post। अब यूजर ने जो भी वैल्यूज यहाँ इन दो टेक्स्ट बॉक्स में डाली होगी वो यहाँ पर आकर स्टोर हो चुकी है। अब हम एक कोई भी नाम ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में जो कि हमारा वैलिड होगा। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि n इज इक्वल टू जॉन एंड p इज इक्वल टू 1 1 2 3। अब हम चेक कराएंगे क्या दोनों वैल्यूज सही हैं। इफ नेम इज इक्वल टू $n एंड
पार्स इज इक्वल टू डॉलर पी। अगर ऐसा होता है तो यूज़र वैलिड है, अगर ऐसा नहीं होता तो यूज़र इनवैलिड है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, एल्स इको इनवैलिड डिटेल्स। इसको हम आउटपुट ब्राउज़र पर चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं, इनवैलिड डिटेल्स, हमारी ये स्क्रिप्ट काम कर रही है। अब अगर ये सही है तो हमको क्या क्या काम करना है। सबसे पहले हमको सेशन बनाना पड़ेगा जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो हम एक सेशन स्टार्ट करते हैं और एक सेशन वेरिएबल में हम यूज़र का नाम स्टोर करा देते हैं, सेशन नेम इज इक्वल टू डॉलर नेम। अब हमारा इतना काम हो चुका है, अब हमको उसको होम पेज में रिडायरेक्ट करना है। तो उसके लिए हम हेडर फंक्शन का यूज़ करेंगे जो रिडायरेक्शन के लिए यूज़ होता है, और हम यहाँ पर लोकेशन दे देंगे होम डॉट पी एच पी। जब अगर ऐसा सही है तो हम होम डॉट पी एच पी में चले जाएंगे। अब होम डॉट पी एच पी में हमको क्या करना है, हमें यहाँ भी सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे हमको प्रिंट कराना पड़ेगा इको हेलो मिस्टर डॉलर अंडरस्कोर सेशन नेम डॉट हाउ आर यू, यू आर सक्सेसफुली लॉग इन। अब हमको एक लॉगआउट बटन बनानी है इस पेज में। सबसे पहले देखते हैं इतना वर्क हमारा कर रहा है कि नहीं। हम यहाँ पे यूजर डालते हैं जॉन एंड 123 इनवैलिड डिटेल्स। ओप्स व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, जॉन जे कैप्स में है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 123 आप उस जगह हेलो मिस्टर जॉन हाउ आर यू आर सक्सेसफुली लॉग इन। हमारी लॉग इन, हमने यूजर का लॉग इन करा दिया है। अब हम कहीं भी उसे भेजें, हम सेशन से उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अब हमको एक लॉगआउट बटन बनाना है, तो लॉगआउट बटन बनाना बहुत ही आसान है। हम इको करा देंगे ए एचरेफ इज इक्वल टू होम डॉट पी एच पी। अब हम यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट लिखेंगे, लॉग आउट इज इक्वल टू 1। हमने लॉग आउट की वैल्यू 1 सेट कर दी है, लॉग मी आउट। अब हम यहाँ पे पीएचपी की हल्की सी प्रोग्रामिंग लिखेंगे, इफ इस सेट, हम चेक करेंगे क्या हमारी क्वेरी स्ट्रिंग एक्टिव है। अगर हमारी क्वेरी स्ट्रिंग एक्टिव होगी तभी ये चीज ब्राउजर में दिखेगी। इसको हम चलिए पहले देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा यूआरएल चेंज हो जाएगा। ये देखिए हमारा यूआरएल चेंज हो गया। और अगर ऐसा होता है तो हमें यूज़र को लॉग आउट करना है, तो यूज़र को हम लॉग आउट कर देते हैं। पहले हम चेक करते हैं क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम डालते हैं इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट लॉग आउट। अगर लॉग आउट की वैल्यू ट्रू है तो हमको यूज़र को लॉग आउट कराना है। तो सिंपल, सबसे पहले हमें सेशन सारे डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे। सेशन डिस्ट्रॉय, हमें सारे सेशन को डिस्ट्रॉय करना है और यूज़र को बैक भेज देना है। हेडर लोकेशन लॉग इन डॉट पी एच पी, ये हमारी लॉग आउट की बहुत ही छोटी और बहुत ही सिंपल सी स्क्रिप्ट है। अब देखिए यूज़र अपने आप लॉग इन हो चुका। अब हमें दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा, जॉन 123। हम यहाँ पर आ चुके हैं और अगर हमको लॉग आउट करना है तो लॉग मी आउट। अब इतनी देखने में तो हमारी स्क्रिप्ट बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं। कमी नंबर 1, अगर हम बैक प्रेस करते हैं तो हम वहाँ वापस आ जाते हैं। ये देखिए हमारा सेशन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लेकिन हम सारी इंफॉर्मेशन को देख ले रहे हैं। अगर हमको ऐसा करने से रोकना है तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि हम किस पेज पर हैं। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, हम वापस जाते हैं लॉग मी आउट। सबसे पहले हमारी ये देखें, जॉन 123। अगर किसी यूज़र के पास ये यूआरएल है और वो लॉगिन नहीं है तब भी वो वहाँ आसानी से पहुँच सकता है। ये देखिए मैंने यूआरएल पेस्ट किया, जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ये देखिए मैं वहाँ पहुँच गया। तो हम कैसे यूज़र को रेस्ट्रिक्ट करें, यूज़र को हम
बहुत तरीकों से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है हम चेक करें क्या सेशन एग्जिस्ट करता है, इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन नेम। अगर सेशन एग्जिस्ट करता है तब तो यूजर वैलिड है, एल्स हम उसको वापस भेज देंगे लॉगिन डॉट पी एच पी पे। हेल्प लोकेशन लॉगिन डॉट पी एच पी, या फिर हम इको करा देते हैं, नो नो भेज देते हैं इसे हम लॉगिन डॉट पी एच पी पे। हम ब्राउजर बंद करके दोबारा ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पे यू आर एल पेस्ट किया। ओप्स, हेलो मिस्टर जॉन, हाउ आर यू, आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन, सेशन क्रिएटेड बता रहा है। इसे हम दूसरे ब्राउजर पर चेक करते हैं, इसने सेशन वैल्यू को स्टोर कर लिया है और उसको रिमूव नहीं कर रहा है। ये देखिए मैंने यू आर एल तो होम पेज डॉट पी एच पी डाला, लेकिन मैं रिडायरेक्ट हो जा रहा हूँ यहाँ पर। अब हम पहले लॉग इन करते हैं जॉन। अब अगर मैं बैक बटन प्रेस करता हूँ, एक और वीकनेस, अगर मैं बैक बटन प्रेस करता हूँ और फिर फॉरवर्ड करता हूँ तो मैं वापस वहाँ पहुँच जा रहा हूँ। मुझे ऐसा करने से रोकना है, उसके लिए हमें लॉगिन डॉट पी एच पी में प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अगर सेशन एग्जिस्ट करता है और हम उस पेज पर हैं तो हमें सेशन को डिस्ट्रॉय कर देना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, लॉगिन डॉट पी एच पी में लिखेंगे, सबसे लास्ट में लिख देंगे इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन नेम। अगर सेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, सेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, सेशन डिस्ट्रॉय। देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। हमने पेज को रीलोड किया, लॉगिन किया, लॉगिन वर्क नहीं होगा, लॉगिन स्क्रिप्ट की वजह से। इस सेट जैसे ही हमारा सेशन बन रहा है ये उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो इसके लिए हमको एक और वेरिएबल करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा जब यूज़र पहुँच जाएगा होम पेज डॉट पी एच पी पे, तो हम लिख देते हैं डॉलर अंडरस्कोर सेशन लॉगिन, इसकी वैल्यू हम बंद कर देते हैं, इससे पता चल जाएगा कि यूज़र लॉगिन हो चुका है। और यहाँ पे हम नेम की जगह लॉगिन कर देते हैं। अब हम देखते हैं, ये है हम लॉगिन करते हैं। अब हम बैक बटन प्रेस करते हैं, अब फॉरवर्ड जाते हैं, बैक फॉरवर्ड वर्क नहीं कर रहा है। हम इसी प्रोग्रामिंग यहाँ पर देखते हैं कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। सेशन लॉगिन की वैल्यू हमने बंद कर दी है। अब इफ सेट डॉलर सेशन, ओह सेशन हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, इस वजह से गलती। हम सेशन को पीएचपी पेज में सबसे ऊपर स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं बार बार ये हम लॉगिन करते हैं, बैक फॉरवर्ड बैक इसको हम यहाँ दूसरे ब्राउजर में चेक करते हैं, शायद ये ब्राउजर स्पेसिफिक हमारी यहाँ पर कहीं प्रोग्रामिंग मिस्टेक हो रही है। हमने यहाँ पर सेशन स्टार्ट कर दिया है, हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि इस सेट इसको हम ऊपर लिख देते हैं टॉप में।